हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है टीजी फैक्ट्स। उन्होंने मुझसे 1957 की एक इमॉर्टल लेकिन लॉस्ट गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी बॉगडन स्लीवा वर्सेस डेविड ब्रॉन्स्टीन। फ्रेंड्स, बॉगडन फॉलिस्ट इंटरनेशनल मास्टर था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। क्या गेम की शुरुआत यहाँ बॉगडन ने ही शुरू की थी D4 के साथ, F6 यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने खेला, देन हुआ F5 G6 डच डिफेंस, और बिशप आया G2 स्क्वायर पर, बिशप G7, देन नाइट C3 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन बिशप G5, नाइट C6, तो क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, D6, देन हुआ H4 E6, और इसके बाद यहाँ कैसल आया व्हाइट का टुवर्ड्स लॉन्ग साइड H6, बिशप पर अटैक, बिशप को हटाना पड़ा F4 स्क्वायर पर, और मेरे जैसे खिलाड़ी के लिए मूव है F2 पॉन पर अटैक बनाने का, नाइट मेन्यूवर हो सकता है, लेकिन पहले यहाँ खेला गया बिशप D7, E4, देन हुआ F takes E4, नाइट टेक्स E4, देन नाइट आया D5 स्क्वायर पर, बिशप टारगेट है मेरे ख्याल से, कर लेना भी चाहिए था। वेल, नाइट E2 पहले यहाँ व्हाइट का मूव आया, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, नाइट पर अटैक है। अब मैं अभी भी मानता हूँ नाइट टेक्स E4 शायद बेटर वर्क करता, माइट बी नाइट टेक्स F4 होने के बाद शायद कुछ इस तरह की थ्रेट्स के बारे में रहा होगा दिमाग में, लेकिन इतनी बड़ी इशू है नहीं इस तरह से। वेल, नाइट B6 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना, C5 हुआ, दोबारा उसी नाइट पर अटैक बना, D takes C5, और D takes E5 का मूव फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ कैलकुलेशन कीजिए कि किस खूबसूरती से इस गेम को इम्प्लीमेंट किया गया है। ब्लैक यहाँ 100% एक्सपेक्ट कर रहा होगा D takes C5 का मूव, नाइट पर अटैक बनता और फिर नाइट C4 क्वीन पर अटैक बन सकता था, नाइट D5 वापस अपने इस इंपॉर्टेंट C7 पॉन पर डिफेंस हो सकता था, लेकिन पहले यहाँ वाइट ने Bishop takes C7 किया और यहाँ एक फ्री पॉन लिया, और इनफैक्ट मैं यहाँ कहूँगा नाइट से एक चेक देने की थ्रेट भी दी है। तो इस पॉइंट पर Nxd4 जैसा कोई मूव अगर चला भी गया, शायद चलना भी चाहिए था, लेकिन वट एवर इट इज़, यहाँ Nd6 चेक होता ही होता, किंग को मूव करना होता या फिर Nxd4, Cxd4, फिर उसके बाद यहाँ चेक दी जा सकती थी आराम से। लेकिन यहाँ कैसल ब्लैक ने टुवर्ड्स लॉन्ग साइड किया, और ऐसा करने के बाद इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। एक्शंस डाउन, यहाँ ब्लैक हो गए सीधे सीधे बिशप D6, इस अपॉर्चुनिटी को कौन छोड़ेगा। क्वीन गई F7 स्क्वायर पर, Bishop takes F8, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, Rook takes F8, देन हुआ D takes C5, और फाइनली इस नाइट पर अटैक बन ही गया है। नाइट मुझे लगता है कि C4 स्क्वायर था अच्छा, लेकिन हो गया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, रुक आया D8 स्क्वायर पर, रुक क्वीन के सामने ऑलवेज डेंजरस, लेकिन Nxd2 goes to C3, और फ्रेंड्स Nxd3 ठीक है क्योंकि बिशप की फायरिंग लाइन भी है ओपन, तो रिस्की पोजीशन तो है खैर वाइट के लिए वो। खैर, पहले यहाँ खेला गया Nxd goes to B4, और A2 पॉन पर शायद आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम्स हो, लेकिन Nxd6, और यहाँ क्वीन पर अटैक है, तो क्वीन गई F8 स्क्वायर पर। क्या ये क्वीन F6 स्क्वायर पर ज़्यादा बेटर वर्क नहीं करती, यहाँ से रुक पर भी डिफेंस आराम से रहता। Nxb7, B7 पॉन को गंवाने के बाद रुक पर अटैक है ही डायरेक्टली, और क्या किया जा सकता है, शायद रुक को बचाने की कोशिश अच्छा वर्क करती, लेकिन Nxd4, और फ्रेंड्स नाइट के D4 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ इस दी वाकई में इमॉर्टल गेम है, वो किस तरह से Nxd8, फिर दोबारा एक्शन सेक्रीफाइस दिया है इस बार यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन ने, बिशप आया B5 स्क्वायर पर, और बिशप मैन्यूवर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ समझ ही सकते हैं इस गेम में क्या होने वाला है। तो ब्लैक या डायरेक्टली इस नाइट को नहीं ले सकता था, ज़रा एक मूव पहले चलते हैं कि अगर ब्लैक यहाँ डिसाइड करे कि वो Qxd8 के लिए जाएगा तो वाइट इस गेम में अपनी ग्रिप को किस तरह से मजबूत कर सकता है। ब्लैक का ऑलरेडी यहाँ इस A2 पॉन पर अटैक है, वो वेट कर रहा है कि कब वाइट अपने इस नाइट को मूव करेगा, लेकिन नाइट D2 अफोर्ड कर लेगा यहाँ पर, क्यों, Nxe2 चेक हुआ भी, Qxe2, देन Qc7, और इस बिशप पर जो खतरा था वो थोड़ा इज आउट हो सकता है। लेकिन चलते हैं उसी ऑप्शन पर जो यहाँ ब्लैक ने ऑप्ट की थी, बिशप को B5 स्क्वायर पर ले जाने वाली, और ये कितनी डेंजरस ऑप्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, Nxe6, और फिर दोबारा यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना है, लेकिन Bd3 कोई क्वीन नहीं बचाई है फिलहाल यहाँ बॉगडन स्लीवा ने। अगर यहाँ Nxf8 का ब्लंडर वाइट करेगा तो ये चेकमेट है, किस तरह से Nxa2 चेक होगा, Nxa2 ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद Nb3, किंग बिल्कुल ट्रैप हो चुका होगा विद द हेल्प ऑफ दैट बिशप।
तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है बिशप को B5 स्क्वायर पर ले जाकर किसी भी तरह से नाइट को B3 स्क्वायर यानी दूसरे नाइट को B3 स्क्वायर पर आने ही नहीं दिया जाए, और ऊपर से यहाँ डिस्कवर्ड चेक का खतरा तो बना ही हुआ है। तो पहले हटानी पड़ी क्विन, लेकिन क्विन हटाने का ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। नाइट टेक्स D4 डिस्कवर्ड चेक आई है और अटैक बना है यहाँ क्विन पर, तो क्विन टेक्स D8 फोर्स्ड हो जाता है। क्विन यहाँ पर गंवानी पड़ जाएगी ब्लैक को, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर व्हाइट ने नाइट टेक्स D5 किया तो नाइट टेक्स A2 चेक और वो मेट होगी। तो नाइट C2 पहले यहाँ पर व्हाइट ने किया, नाइट एक्सचेंज आस्किंग है या बिशप पर अभी कोई ज़्यादा इश्यूज तो है नहीं। बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3 होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स A2 अगर ब्लैक करता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह की गेम यहाँ ब्लैक खेल चुका है, जितने पीसेस सेक्रीफाइस कर चुका है अब वो वापसी नहीं कर पाएगा। किंग यहाँ से B2 स्क्वायर पर जाएगा, ब्लैक अब ज़्यादा ज़्यादा कुछ चेक्स दे सकता है, नाइट यहाँ गंवाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर डेविड ब्रॉन्स्टीन ने क्वीन टेक्स A2 की ऑप्शन को चुना, C takes B4, और यहाँ इस मूव के बाद रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन का रीज़न फ्रेंड्स इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए अब उनके पास कम से कम कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिस मटेरियल के सहारे वो इस गेम में कुछ फाइट कर सकें। फ्रेंड्स वाकई में एक समय को तो लगा कि डेविड ब्रॉन्स्टीन एक इमॉर्टल गेम खेल रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस से अगर छोटी सी भी कैलकुलेशन आप मिस्टेक कर देते हैं तो वापसी लगभग असंभव हो जाती है, जैसा कि इस गेम में हुआ। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है TG फैक्ट्स जी के द्वारा बताई गई ये गेम आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसे को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।